नमस्कार, स्वागत है आपका बोल बिंदास में और मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार। रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान और स्वदेशी जागरण मंच की ओर से एक महारैली का आयोजन किया गया। इस विशाल रैली में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वर्ष के साथ इस रैली में किसान, मजदूर, व्यापारी व छात्र संगठनों ने भी भाग लिया। हम आपको बता दें, इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारत में चीनी सामान पर रोक लगाना था। चीन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्वदेशी जागरण मंच अब तक की सबसे बड़ी हुंकार भर चुकी है। रामलीला मैदान में 29 अक्टूबर रविवार सुबह 11 बजे स्वदेशी महारैली आयोजित हुई, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक लोगों का जन सैलाब था। इस महारैली में अश्विन महाजन, सतीश कुमार, जीडी बख्शी, प्रदीप शर्मा, सुशील पांचाल, मनोज गुप्ता, दीपक त्यागी, श्री इंद्रेश कुमार जी, जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जी आदि मौजूद थे। चीन की देश के विरुद्ध आर्थिक सामाजिक नीतियों के प्रति सरकार, जनता, व्यापारियों, उद्योगपतियों को आगाह किया गया था कि चीनी माल का बहिष्कार करें, चीन से जो माल गैर कानूनी रूप से भारत आ रहा है उस पर रोक लगाए तथा चीनी माल पर हैवी ड्यूटी लगाकर भारतीय उद्योगों को संरक्षण दें, जिसमें भारतीय उद्योग उभर सके। इस महारैली के माध्यम से जहां मंच से लोग चीन को सख्त संदेश दे रहे थे, वहीं केंद्र सरकार पर चीन के प्रति अपनी विदेश नीति में बदलाव लाने का दबाव का प्रस्ताव भी रखा गया। खास बात तो ये थी कि भारत में रहकर तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे निर्वासित तिब्बती भी इसमें शामिल हुए थे। महारैली को सफल बनाने के लिए मंच के कार्यकर्ता विवेकानंद जयंती पर पिछले वर्ष की 12 जनवरी से ही जुटे हुए हैं। इस बारे में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संयोजक अरुण ओझा ने बताया कि इसके तहत घर घर संपर्क के साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और इस वर्ष मई माह तक 1.7 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर भी किया। देश के 450 जिले में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ओझा ने बताया कि इस महारैली में किसान, मजदूर के साथ ही व्यापारी, उद्यमी व छात्र संगठनों ने भी भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी भागीदारी रही।